आज की क्लास में हम एमएस वर्ड का असाइनमेंट नंबर 5 जो है उसको करेंगे। असाइनमेंट नंबर 5 आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हमको ये चीजों को लिखना है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है, इसको नंबरिंग बोलते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसी लिस्ट बनी हुई है। कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो हम कीबोर्ड से टाइप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, हमारा जो बेसिक डेटा है उसको रेडी करेंगे हम यहाँ पर। तो पहला जो पॉइंट है हमारा है वो क्या लिखा हुआ है, प्रीहीट द ओवन 220 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा है कॉपीराइट, थर्ड पॉइंट है रजिस्टर्ड और फोर्थ है ट्रेड मार्क, ठीक है। अब इनके आगे हमको सबसे पहले तो नंबर्स लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स लिखने हैं। तो आपको पता है कि इनको नंबर्स लिखने के लिए हमको क्या करना होता है। सबसे पहला स्टेप, इनको आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कैसे करना है, आप यहाँ पर सबसे आगे पर माउस पॉइंटर रखना है और माउस पर माउस बटन को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, और फिर इस तरीके से आगे करना है, पूरा सेलेक्ट हो गया, और फिर नीचे करना है, देखिए ऐसे, तो पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाता है, मल्टीपल लाइन सेलेक्ट हो गई है। अब आपको छोड़ना है और यहाँ पर आपको होम टैब में ऑप्शन मिलेगा बुलेट्स एंड नंबरिंग, हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है नंबरिंग, और नंबरिंग कैसा चाहिए, 1 डॉट 2 डॉट ऐसा चाहिए कि ऐसा चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। क्लियर? तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, पहला फॉर्मेट रेडी हो गया हमारा, नंबर्स यहाँ पर रेडी हो गए हैं। क्लियर? अब हमको ये स्पेशल सिंबल्स लगाने हैं। तो सबसे पहले सी के आगे मैं कर्जर रखता हूँ, कर्जर का ही पूरा खेल है, सी के आगे कर्जर रखे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा सिंबल ऑप्शन, मैं बड़ा कर देता हूँ फिर से, देखिए यहाँ पर आपको सिंबल दिख रहा है, पूरा बड़ा कर लेते हैं, इंसर्ट में सिंबल दिखेगा और यहाँ पर आपको डिग्री वाला जो सिंबल है ये दिख रहा है। क्लियर है? डिग्री सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। क्लियर है? सेम वैसे ही यहाँ कॉपीराइट के बाद सी वाला निशान लाना है, तो फिर यहाँ पर हम करेंगे सिंबल, और कॉपीराइट के लिए हमारे पास कौन सा है, ये। सेम वैसे ही रजिस्टर्ड के लिए आर वाला निशान है, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड के लिए ये निशान आ तो जाए लेकिन बहुत छोटा है, तो आप इसका फॉन्ट बड़ा करके देख सकते हैं, वैसे ही छोटा ही रहता है। क्लियर है? और ट्रेडमार्क के लिए रहता है TM, तो इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल में जाएंगे और यहाँ पर TM आपको मिलेगा, कहेंगे ये TM दिख रहा है। क्लियर है? इसके अलावा कुछ एडिशनल सिंबल्स चाहिए तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 5।